एपलॉग रिगार्डिंग यार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। और वहां पे आप लोगों ने अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस किए हैं, जैसे कि फोन फॉर्मेट हो गया, फोन चोरी हो गया, एपलॉग डिलीट हो गया, या फिर एपलॉग से डेटा वापस आप ला नहीं पा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं और मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन सेम है, डेटा रिकवर नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है डेटा रिकवर? तो अगर क्लाउड पे डेटा है या फिर इंटरनल स्टोरेज में डेटा है, डेटा कहीं पे है तो डेटा आप निकाल सकते हो, बट डेटा अगर कहीं पे नहीं है तो डेटा आप कहां से निकालोगे? सो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा डेटा आखिर है किधर, आपके इंटरनल स्टोरेज में है या क्लाउड पे है। तो उसको चेक करने का जो मेथड है आज मैं वो बताने वाला हूँ, साथ में डेटा को रिकवर करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, और काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी तो उसके लिए सॉरी। वीडियोस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि एग्जाम चल रहा था, अभी कुछ दिन के लिए छुट्टी है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने मेरे फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो चुका है। देन अब हमें क्या करना है, क्या प्रोसेस करना है, चलिए प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने जीमेल आईडी को ओपन कर लेते हैं, जिस जीमेल आईडी से हमने कनेक्ट किया था अपने एपलॉग को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने अपना जीमेल आईडी ओपन हो चुका है। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा डेटा हमारे फोन में हमारे जीमेल में कितना है और कौन कौन से ऐप का है। तो यहाँ सबसे पहले हम डेटा एंड प्राइवेसी जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिलता है एप्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे मिलता है थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज। अब थर्ड पार्टी है मतलब जिसको आपने इंस्टॉल किया है और जो आपके जीमेल से कनेक्ट है और आपके जीमेल में उसका डेटा स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे बैटल ग्राउंड आ चुका है, स्प्लिट नाइन आ चुका है, स्प्लिट डेट हो चुका, एपलॉक हो चुका, एपलॉक, एपलॉक से डेटा डिलीट हो चुका है। बट यहाँ पे एपलॉक हमारा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एपलॉक का डेटा है हमारे जीमेल पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से चाहो तो मैं एपलॉक का सारा डेटा हटा सकता हूँ। जो क्वेश्चन करते हो आप लोग कि एपलॉक से डेटा कैसे हटाते हैं, तो आप यहाँ से सारा डेटा डिलीट कर सकते हो एपलॉक का, ठीक है। देखो अब यहाँ पे डेटा है, हमें मालूम हो गया। अगर यहाँ पे डेटा शो हो रहा है तब आप क्या करोगे, देन आप आओगे बैक, सिंपली आपके पास एपलॉक है तो एपलॉक आप यहाँ पे लिखोगे, एपलॉक, तो यहाँ पे हम एपलॉक टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, और यहाँ पे हमारी ये एपलॉक है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं जो आप लोग कहते हो, क्योंकि यार लाइव प्रोसेस में अगर हम डिलीट करके वापस नहीं लाएंगे तो आप लोग भरोसा नहीं करोगे, आप लोग कहोगे ऑलरेडी था फ़ोन में इसलिए सिद्धार्थ भैया ने दिखा दिया। तो यहाँ से इंस्टॉल कर रहा हूँ आपके सामने, अब तो ऑलरेडी नहीं है ना फ़ोन में। तो मेरे जो जीमेल पे है डेटा है ऑलरेडी, वैसे आपको चेक करना है कि आपके जीमेल पे डेटा है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन हमारे सामने आ गया, हम ओपन करते हैं। और यहाँ पे कोई भी पैटर्न आप सेट कर सकते हो, मैं यहाँ पे पैटर्न सेट कर लेता हूँ, सक्सेसफुली सेट हो गया। एग्री एंड स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सब लोग कहते हो पैसा मांगता है, तो यहाँ से वो पैसा मांगता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। सिंपली आप वॉलेट पे आओगे, यहाँ पे अलाउ करोगे, यहाँ से एक्सेस दोगे और आपके इंटरनल स्टोरेज में जो फोल्डर्स क्रिएट होते हैं वो यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो वीडियो, जीरो फोटो, जीरो ऑडियो, जीरो फाइल, जीरो पैक, सब कुछ जीरो है। यहाँ पे क्लाउड का ऑप्शन है, क्लाउड को सिंक पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से ये पूछ रहा है हमसे कि कौन सी आईडी है आपकी, जिस आईडी पे आपका डेटा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी यार ये वाली आईडी है, जिस आईडी पे मेरी डेटा है। अब यहाँ पे ये लोड करेगा, देन यहाँ पे वाईफाई से सिंक कर रहा है क्योंकि ये फ़ोन में सिम नहीं है। तो ये फ़ोन इस फ़ोन से जो कि मेरे पास रखा हुआ है, ये वाला फ़ोन इससे अटैच है, तो ये यहाँ पे डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर आप अपने कनेक्शन पे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वाईफाई सिग्नल जो है सो ऑफ कर सकते हो, स्कैन वाईफाई ऑफ कर सकते हो, बट हमारा वाईफाई से फ़ोन कनेक्ट है आप ऊपर देख सकते हो, तो हमने इसे अनेबल कर रखा है। ऑटोमेटिकली डाउनलोड इट्स फ्रॉम द क्लाउड, वो कह रहा है कि ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड करेगा क्लाउड से। यहाँ पे हम बैक आते हैं, यहाँ पे अभी कुछ सब कुछ जीरो है, सब कुछ जीरो है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है।
अब यहाँ पे नेटवर्क जो होता है वो नेटवर्क पे इशू करता है कि क्लाउड से डेटा ले रहा है तो कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं खोल के, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है कुछ भी नहीं आ रहा है। बस आप लोगों को ऊपर टाइमिंग देखना है, टाइमिंग आपको समझ में आता रहेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ कि नहीं। यहाँ पे 18:57 हो रहा है टाइमिंग। यहाँ से हम फिर से एक बार आते हैं, क्लाउड सिंक ऑफ करते हैं, फिर से क्लाउड सिंक ऑन करते हैं ताकि नेटवर्क अगर नहीं आ रहा हो यार तो नेटवर्क कनेक्ट हो जाए। अभी भी यहाँ पे सब देखो 0000 सब कुछ 0 है। ठीक है बैक आते हैं, बैक एग्जिट कर चुके हैं, फिर से ओपन करते हैं। सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है, यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे अब भी सब 0 है, सब कुछ 0 है, कोई भी डेटा नहीं आ रहा है आप लोगों के सामने। क्लाउड पे फिर से आते हैं, यहाँ पे अभी देख सकते हो यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज सिंक हो रहा है, सारा डेटा भी वापस कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे सब कुछ 0 है। रिफ्रेश करते हैं, सब 0 है, अभी सब कुछ 0 दिखा रहा है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 21 फोटोज जो है हमारी वो आ चुकी हैं, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही आपके सामने, बट अभी आप टाइम दोगे तो ये भी शो होने लगेंगे क्योंकि ये डाटा जो है क्लाउड से आ रहा है, ये सारा डाटा आपका क्लाउड से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 फोटो लोड, 8 फोटोज लोड, 7 फोटोज लोड, 6 फोटोज लोड, 5 फोटोज लोड, 4 फोटोज लोड, 3 फोटोज लोड, 2 फोटोज लोड, 1 फोटोज लोड एंड लोड। देन अब यहाँ पे आप देखोगे आपके जो डेटा है वो ओपन होने लगेंगी। सो ये प्रोसेस है डेटा को क्लाउड से लेने का, ठीक है। तो जिन लोगों का डेटा क्लाउड से, वो इजली इस प्रोसेस से अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो यार वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको ज़रूरत है, और कमेंट करो क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये क्लाउड स्टोरेज का था, अब मैं इंटरनल स्टोरेज की अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 7 मिनट की हो चुकी है, और ज़्यादा मैं लॉन्ग ले जाऊँगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगा।